हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ के थर्ड एसी कोच में यात्रा करना बहुत ही आरामदायक रहता है। इनमें अच्छी अच्छी सुविधाएं भी यात्रियों को मिलती है। यात्रा के दौरान कुछ बातें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बहुत भारी नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार हम थर्ड एसी कोच में ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल बहुत ही आराम से हो रहा था और ट्रेन के लगभग सारे सीट्स फुल हो गए थे। कुछ सीट अभी खाली थे, वहाँ पे पैसेंजर नहीं आए थे। तो एक स्टेशन पे एक फैमिली मेंबर्स आके ट्रेन बोर्ड किए और वो एक खाली सीट पे जाके बैठ गए। उनको लगा कि ये उनका सीट है और उनकी भी यात्रा चल रही थी अच्छे से। उस टाइम तक टीटी भी कोच में एंटर नहीं हुए थे। तभी दो तीन स्टेशन जाने के बाद एक फैमिली आई और वो सीट पे जाके बैठ गए। फिर उन दोनों में बहस होने लगी कि ये मेरा सीट है और वो ये मेरा सीट है। अभी इन लोगों के बीच में बहस हो ही रहा था तब तक टीटी कोच में आ गए और टीटी ने देखा कि किस मुद्दे पे इन लोगों में बहस हो रही है। तभी टीटी ने दोनों फैमिली को बोला कि आप अपना अपना टिकट दिखाइए। तो जो बाद में ट्रेन बोर्ड किए थे उन्होंने अपना ई टिकट दिखाया और दोनों पैसेंजर्स के पास ई टिकट ही था। तो दोस्तों, दूसरे पैसेंजर्स ने जब भी अपने टिकट दिखाया तो उसमें क्लियरली उनका सीट मेंशन हो रहा था। तीन पैसेंजर्स थे और तीन सीट्स उनको अलॉट हुआ था। फिर टीटी ने फर्स्ट फैमिली जो बोर्ड किया था ट्रेन उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने भी अपना ई टिकट दिखा दिया। तभी टीटी ने टिकट चेक किया और क्या देखा उसमें कि उनका टिकट वेटिंग में है। और उन्होंने अपने मोबाइल पे चेक किया और उसमें स्टेटस शो कर रहा था उनका अभी भी टिकट वेटिंग में ही था चार्ट बनने के बाद भी, और वो कंफर्म नहीं हुआ था। तो वो टिकट देखने के बाद टीटी उन फैमिली मेंबर्स को बोले कि आप ट्रेन से उतर जाइए कि आप अभी विदाउट टिकट हो गए हैं। ये बात सुन के फैमिली मेंबर्स शॉक हो गए। उन्होंने बोला हमने तो पैसे दिए हैं रेलवे को लेकिन तो भी हम विदाउट टिकट कैसे हो गए। तभी टीटी ने उनको बताया कि इंडियन रेलवेज़ के नियम के अनुसार अगर आप ई टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट वेटिंग है और वो चार्ट बनने तक कंफर्म नहीं होता है तो वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। इस परिस्थिति में अगर उस ई वेटिंग टिकट के साथ आप ट्रैवल करते हैं तो आपको विदाउट टिकट माना जाता है, और अगर वही टिकट आपने काउंटर से निकाला होता तो आप उस टिकट के साथ ट्रैवल कर सकते थे, परंतु थर्ड एसी में नहीं, आपको स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने को मिलता था। ये बात सुन के वो फैमिली मेंबर्स एकदम परेशान हो गए। अब वो करें तो क्या करें। उन्होंने टिकट बुक किया था कि हम अपना यात्रा पूरा करेंगे परंतु टिकट उनका कैंसिल हो गया है। इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी, किसी ने भी इस रूल के बारे में उनको बताया नहीं था। फिर टीटी ने उन फैमिली मेंबर्स को बोला कि आप थर्ड एसी कोच से निकल जाइए और स्लीपर क्लास में चले जाइए, वो उनका स्लीपर क्लास का नया टिकट बना के दे देंगे। परंतु मेन चीज़ ये थी कि उसमें उनको अभी विदाउट टिकट का भी फाइन लगने वाला था और उनको सीट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी कंफर्म नहीं था। वैसे भी वो उस ट्रेन का स्लीपर कोच बहुत फुल जा रहा था, उसमें पब्लिक फुल पैक थी, पैर रखने को भी जगह नहीं था। इस स्थिति में वो फैमिली कैसे ट्रैवल करेंगे, अब उनको यही टेंशन हो रहा था। मजबूरन उन फैमिली मेंबर्स को थर्ड एसी कोच से निकल के स्लीपर क्लास में जाना पड़ा और एक नया टिकट बनवाना पड़ा। तो दोस्तों, आप जब भी रेल यात्रा करें तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है और अगर कंफर्म है आपको या फिर आरएसी टिकट है तो आप यात्रा कर सकते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है और वेटिंग में ही है और चार्ट बनने तक वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और उस और पैसा जो रिफ़ंड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, जिस अकाउंट से आपने टिकट बुक किया था उस अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उन पैसेंजर्स को डबल नुकसान हो गया क्योंकि पहला टिकट उन्होंने एजेंट के थ्रू बुक करवाया था और टिकट कैंसिल हो गया तो उस एजेंट ने भी उनको कुछ नहीं बताया था इन रूल्स के बारे में। वो पैसा तो एजेंट के पास चले गया और ट्रेन के अंदर उनको दूसरा टिकट बनवाना पड़ा तो वो पैसा अलग से लगा।
तो ये रेल यात्रा के पहले आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें और रूल्स जान लें, बिना रूल्स जाने आप ट्रेन में ट्रैवल ना करें। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आपको, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में यात्रा किया है? अगर किया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।